ना ऐसे तकदीर में क्यों लिखा। मिलके बिछड़ना ऐसे तकदीर में क्यों लिखा। इतना भी पास आके हर बार दिल ही दुखा। चाह जिसे था बन सकाना क्यों मेरा, ऐसी बनाई क्यों ये किस्मत है खुदा। क्या देख रहे हैं आप? हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। आपकी बीवी तो अब पुरानी हो गई है। हाँ, हो तो गई है पुरानी, लेकिन वो ऐसा है कि पहले बीवी सोना थी, अब कुंदन हो गई है, हमारी मोहब्बत की तरह। फकत मुझे अपना आप बहुत कीमती लगने लगता है। शादी के कई सालों बाद भी आपकी मोहब्बत मेरे लिए वैसे ही तरोताजा है जैसे शादी के पहले थे। वरना तो चंद साल गुजरने के बाद शौहर बेजार हो जाते हैं अपनी बीवियों से। हो जाते होंगे बेजार, लेकिन हम तो बेकरार रहते हैं। हम तो अपनी बीवी की कदर कीमत और अच्छाइयों में गुम रहते हैं। खैर, अगर ऐसा है तो उस दिन पार्टी में वजाहत की सेकंड वाइफ को कौन देख रहा था? अरे वो तो मैं इसलिए देख रहा था कि वजाहत ने उस औरत के साथ दूसरी शादी कैसे की। दिलचस्पी सेकंड मैरिज में थी या फिर सेकंड वाइफ में? अरे हमारी दिलचस्पी तो सिर्फ एक ही खातून में, और उसका नाम है लल्ला। वो देखो, वो जो खातून है ना, वो मेरी जिंदगी है, मेरी दोस्त है, मेरी बीवी है, और मेरा सब कुछ वो ही है। आपकी इन्हीं बातों ने कई सालों से मुझे अपने हिसार में लिए रखा है। वो इसलिए कि जब बीवी इतनी लविंग हो, केयरिंग हो, ऊपर से प्रिटी हो, तो दिल की बात जुबान पर आना आम सी बात है। लेकिन मेरे लिए आप और आपकी मोहब्बत आम नहीं है। अगर मुझे ऐसी दो जिंदगियां भी मिले ना, तो मैं आपके ऊपर से वार देती। अगर मुझे दो जिंदगियां मिलती ना, तो मेरी एक मोहब्बत उसके लिए काफी। हाँ, और आपकी इस मोहब्बत के लिए मेरी एक जिंदगी 100 पर भारी है। I'm proud of you, my dear husband. I love you. I love you, Munosa. तुम मरते दम तक मेरे साथ रहो। सलमा, सलमा। जी साहब जी। मेरा जूस मेरे कमरे में लेकर आओ। जी, मैं अभी लाती हूँ। अलीज़े, अब तक सो रही है? अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े। क्या है असद? मैं जिम से भी आ गया हूँ। उठ जाओ। तुम्हें पता है ना, रमशा ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। हनी, वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उठी थी। अच्छा, तो तुम खुद संभाल लेते ना उसको रात को।
अच्छा नेक्स्ट टाइम संभाल लूंगा। अच्छा बताओ मेरी ब्लू शर्ट कहाँ पर? मुझे क्या पता सर तुम्हारी शर्ट कहाँ पर है, प्लीज कबर्ड में देख लो ना, वहीं होगी। मैंने देखी थी यार कबर्ड में, मुझे नहीं मिली। कहीं तुमने ड्राई क्लीन के लिए तो नहीं दी? नहीं सर मैंने कहीं नहीं दी है। तुम्हारे कपड़े मामा रखवाती है ना, उन्होंने रखवा दी होगी कबर्ड में, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, प्लीज सोने दो। नहीं सर मैं मम्मी से शर्ट के बारे में पूछता हूँ, अच्छा लगूंगा। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे कपड़े अभी तक मामा रखवाती है ना, और वो सब कुछ खुद नहीं करती हैं। हो सकता है उन्होंने जरीना से कहा हो कि वो तुम्हारे कपड़े रख दे। तुम प्लीज उनसे पूछ लो ना जाके, मुझे सोने दो प्लीज। अच्छा चलो आप उठ गए हैं तो चलो आप चलकर बाहर नाश्ता करते हैं। नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज तुम जाओ, मुझे सोने दो प्लीज। यार उठो कम ऑन। अरे भी जाग रहे होते हैं तो उठते क्यों नहीं, हमेशा मेरे आने का इंतजार क्यों करते हैं आप? आए, तुम्हारा इंतजार ही तो मेरी जिंदगी का हासिल है। शायरी शुरू। जिस खूबसूरत अंदाज से तुम आकर जगाती हो, दिल करता है बस कयामत तक किसी तरह सोता रहूं और तुम आकर इसी तरह जगाती रहो। और जिस दिन मैं ना आई जगाने तो मैं उठूंगा ही नहीं। बकार, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई सुबह ही नहीं आ सकती जिसका आगाज तुम्हारे चेहरे के बगैर हो। अच्छा तो जनाब मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं? कोई शक है? हो भी सकता है कल को मेरी जगह आपकी आंखों के सामने किसी और का चेहरा हो और आप उसे इसी तरह बहला रहे हो। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता जो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के बगैर। कसम खाए, तुम्हारी जान की कसम। अरे बस कर देना, ये प्यार का पहला पीरियड, एक हफ्ता रह गया शादी में और अभी इतनी ढेर सारी तैयारी करनी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। चले बकार तुम परेशान ना, तुम्हारी सारी परेशानियां अब इस खादिम के जिम्मे। बस अदाकारी शुरू। चले चले जल्दी उठे। ओए हाय हाय, इंतजार कर रही हूँ आपका, आ जाए। वकार के लिए जूस अभी मत निकालना, अब वो आ जाएंगे ना टेबल पर, फिर निकालना, पहले से निकला हुआ जूस उन्हें नहीं पसंद। और तुमने ये असद के लिए ऑमलेट बना रही हो ना, हरी मिर्चें डाली हैं? जी बिल्कुल। हाँ लाइट ब्राउन रखना, कल भी नाराज हो रहा था वो। शांजे को बुलाओ भी और उसके लिए फ्रूट काटो नाश्ते के लिए। शांजे बेबी तो यूनिवर्सिटी चले गए। क्या मतलब नाश्ता किए बगैर ही चली गई? वो कह रही थी मुझे लेट हो रहा है तो वो फ्रूट लेके चली गई। तो ये लड़की भी ना, अच्छा चलो वो अलीजे का नाश्ता अभी मत बनाना, जब टेबल पर आएगी ना तब बनाना। चलो जी बेगम सर। कटिंग करो इनकी। निकल जाओ इस घर से, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। आखिर ऐसा क्या किया है मैंने? तुम ना मुझे औलाद दे सकी हो ना ही कोई खुशी दे सकी। ये क्या कह रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? तुम नहीं मानोगी ना मेरी बात, आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। इतने साल हो गए वकार, अभी तक आपको मैचिंग करनी नहीं आई। अरे ये स्किल हमने अपने पास खुद ही नहीं रखी। जो क्यों? मैं नहीं पूछूंगी, इसलिए कि आप जरूर कोई उल्टा सीधा जवाब देंगे। अगर मैं ये खुद करता तो आप अपने हाथों से जो मैचिंग करती हैं उसके लिए आप यहाँ वो होती ही, बल्कि किचन में कोई काम कर रही होती। ओफो भाई जल्दी करे ना, नाश्ते के लिए लेट हो रहे हैं। चल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, देख लें असद आपसे पहले रेडी होकर आ जाता है।
एक्चुअली हमें क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी बीबी आपकी तरह केयरिंग नहीं है, जो कि मुझे इनकी तरह त्याग करे, तो इसलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बाबा, आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी मैन। रियली? ओह यस। अरे नहीं बेटा, अलीजे तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। दरअसल बच्ची छोटी है ना, सारी रात उसे जागना पड़ता है उसके लिए, इसलिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। रहने दीजिए हमें, जब हम छोटे थे ना तब भी हमें याद है कि आप बाबा को इसी तरह प्यार करती थी। तभी तो इनकी आदतें बिगड़ गई हैं। और मेरा असद, मेरे असद को तो ड्रेसिंग सेंस का इतना अच्छी तरह से पता है कि किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। बाबा, आपने एक चीज नोट की, हमारी अम्मी काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि बेवकूफ को इतना अच्छा बनाते हैं? अकार, सॉरी, हमारी अम्मी परफेक्ट। यस, आई थिंक सो। यस। दरअसल बेटा, अल्लाह ने मेरी तरबियत का भरम रखा है, इतना सुलझा हुआ समझदार बेटा दिया। जिस तरह से तुम सुबह तैयार होकर सबसे पहले हमारे पास आते हो ना, तुम नहीं जानते हमारे दिल से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। खुश रहो मेरी जान। थैंक यू, बस इसी तरह मेरे लिए दुआ करती रहा कर। ऐसे ही दुआ करती रहूंगी। अब चले भाई नाश्ते के लिए। आजा आजा। हेलो। हाय। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, आज सर हुमायूं की क्लास मिस कर दी, आई नहीं तुम? आई नो मैन, इसीलिए तो फरवा से नोट्स लेके आई हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो पॉइंट बना लूँ मैं। इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स हैं मेरे पास, तुम चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। Really, दिखाओ प्लीज। हाँ, ये वाले। Don't tell me. Wow, I mean, इससे तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकल सकते हैं। है ना, ये मेरा एक दोस्त है, उसका कजिन लास्ट ईयर यहाँ का टॉपर था, उसी के नोट्स हैं। वाओ, तो क्या मैं कॉपी कर लूं? श्योर, आई मीन मैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो। बल्कि ये नोट्स तुम अपने पास रख लो, जब टाइम मिले तो कॉपी करवा लेना। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू एक्चुअली, थैंक्स। यू वेलकम। वैसे मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, टाइम ही नहीं होता मेरे पास, कितना जाता हूँ ना। मतलब? वो मैं दो दो स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाता हूँ शाम में, फिर उसके बाद फिर एक इंस्टीट्यूट चला जाता हूँ, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता हूँ। सेमेस्टर के पैसे भी अब ड्यू हो चुके हैं और क्लियर भी नहीं है, बस वही परेशानी है। आई मीन तुम्हारे डैड सपोर्ट नहीं करते तुम लोगों को क्या? उनका तो यही बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें अपने घर पे रख लेते हैं, दो वक्त का खाना दे देते हैं। बाकी अपनी और बहन की पढ़ाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही है। I'm really sorry to hear that. Oh no problem. ये सब तो चलता ही रहता है। Hi. शांजे, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं actually समझ से कुछ discussion करी थी, उसने मुझे ये देखो इतने अच्छे notes दिए हैं कि इतने अच्छे points बन सकते हैं। I can't tell you. Look at that.
अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ। और ये नोट्स रख लो अपने पास ही, आराम से दे देना मुझे, कोई मसला नहीं। So sweet of you, thank you. No problem at all. Thank you, bye. Bye. ये देखो, dude, इतने अच्छे पॉइंट्स बन सकते ना मेरे इससे। मुझे नहीं देख। अम्मी, अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा मिल्कशेक कहाँ है? अरे लेकिन तुम तो ब्रेकफास्ट करते हो ना प्रॉपर। अम्मी मैंने सलमा से कहा था ब्रेकफास्ट का मूड नहीं है, मुझे मैंगो शेक बना के दे। लेकिन उसने तो नहीं बताया मुझे। क्या? अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, वो बन जाएगा अभी, अभी बन जाएगा। अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, महरीन के साथ ब्रेकफास्ट कर लूंगा। बैठो तुम, लेकर आती हूँ मैं। यार देख वो गई है ना, दया जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शाम से भी बगैर नाश्ते के यूनिवर्सिटी गई है, तुम भी जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों है? अरे असद भाई आज मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी मैंगो शेक। अरे भाई आ गया, जल्दी लेकर आओ जल्दी। आ गया शेक, कितनी देर लगती है? लो लाओ जल्दी लाओ, ये चीज जबरदस्त, थैंक यू। वैसे भी तुम्हें तो वकार के साथ जाना है ना? नहीं अम्मी मैं ऑफिस आज नहीं जाऊंगा, मुझे शॉपिंग पे जाना है, महरीन की कुछ चीजें रह गई हैं। अरे भाई क्यों, आज फंक्शन है शाम में, वो भी घर पर, और मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है। असद ऑफिस जा रहा है, घर के इंतजाम कौन देखेगा? आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, केटरिंग वाला आ रहा, उससे तुमने बात कर ली है। और जोए तुम अलीजे को शॉपिंग पे ले जाना। नहीं बाबा अलीजे नहीं जा सकेगी, क्योंकि रमशा के स्टमक में पेन था तो वो सारी रात रोती रही, इसी वजह से फिर अलीजे सो नहीं सकी। हाँ मुझे भी सारी रात आवाजें आती रही, लेकिन तुम कोई बात नहीं, अलीजे से बोलो कि रेस्ट करे, मैं देख लूंगी सब। जी ओके परफेक्ट, साउंड्स गुड, मैं चलता हूँ, थैंक यू, अलार्म। से भाई बाय। रुको जोहेब। हाँ कहाँ जा रहे हो? हवा के घोड़े पे सवार हो माना कि तुम्हारी शादी है, मगर इतनी भी क्या एक्साइटमेंट? अरे भाभी समझने की कोशिश करें, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पहली 5 मिस कॉल्स आ चुकी हैं। जाने दो अलीजे, तुम जानती तो हो कि मेरीन के मामले में कितना सेंसिटिव है। अम्मी अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। लो खबरदार अगर मेरे बेटे को तंग किया। वैसे सुहेब अगर तुम रुक जाओ ना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है। सुहेब मेरा ख्याल है तुम्हें रुकना चाहिए, ऑफर तो सुननी चाहिए। अच्छा जी अगर ऐसी बात है तो 2 मिनट है मेरे पास, जल्दी से बताएं कि क्या ऑफर। अम्मी मैं आपको सही बताऊं, मेरीन के आगे ये कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आई एम टेलिंग यू। ज़ुहेब लिसन, तुम्हें असद की बातों में आने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अगर मामा तुम्हें कोई ऑफर देना चाह रही हैं तो आई वुड से तुम्हें सुनना चाहिए। घर का एक ही वोट आपके खिलाफ हो गया, चेक करें। इससे मैं कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं करता वैसे। वैसे अम्मी इस ऑफर में हमारे लिए भी कुछ है या ये सिर्फ ज़ुहेब के लिए? सबके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा फिर हमारा क्या फायदा यहाँ बैठने का, हमें चलना चाहिए ऑफिस? अरे ठहरो तो सही, पहले सुनने तो दो कि ऑफर में है क्या। अरे भाई मुझे लग रहा है इस घर में कोई भी सीरियस नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सुनो सुनो ऑफर तो सुन लो, खुश हो जाओगे तुम। तुम जा रहे हो ना महरीन के साथ शॉपिंग करने, ऐसा करो कि अलीजे को भी ले जाओ साथ और शांजे को भी पिक कर लेना यूनिवर्सिटी से, तुम तीनों एक साथ जी भर कर शॉपिंग करना, और स्पेशल ऑफर ये है कि वो सारी शॉपिंग मेरी तरफ। वाओ नॉट अ बैड आईडिया, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइस बट मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। आपको नहीं पता कि ये सब लोग अपनी शॉपिंग में मुझे ख्वार कर देंगे, और वैसे भी मामा की कॉल आई थी, वो मुझे बुला रही थी, तो मैं उनके साथ शॉपिंग पे भी चली गई। अरे यार खामखा मेरा टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने, पहले आप ये डिसाइड कर लें कि किसको क्या करना है। मैं जा रहा हूं, ओके अल्लाह हाफिज़। बाय। अच्छी ऑफर दी थी। तुम्हें क्या हुआ नरगिस, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं हुआ, बस जरा से चक्कर आए नहीं और दवाइयां फांकना शुरू कर दी, शौक है सबको परेशान रखने का। छोटी बीबी मैं तो बस तबीयत पूछ रही थी। क्या हुआ है उन्हें, वो बिल्कुल ठीक हैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा, सुबह ब्रेकफास्ट बनवाया, लंच बनवाया, सारे काम करवा रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। आप अपना ये हैदराबाद जाना कैंसिल नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं हो सकती है मीटिंग? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, मेरा हैदराबाद जाना जरूरी है। कैसा लगेगा महरीन को, क्या सोचेगी, मेरी खाला ही मेरी शादी पे नहीं आई, बहुत बुरा हो जाएगा ये तो। अरे भाई तुम्हें अगर शादी में जाना है तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें तो नहीं रोक रहा ना,
लेकिन मैं नहीं जा सकता, मुझे आज शाम हैदराबाद के लिए निकलना। समझ गई। जानबूझ के कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ, क्योंकि आपको पता है मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। और अगर मैं अकेली चली गई तो खानदान वाले क्या कहेंगे? बोलेंगे देखो शौहर वहां पर है, ये मजे उड़ाती फिर रही है। बहन को तो कुछ करके मना लूंगी, पर भांजी उसका क्या करूंगी? कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। एक काम बोलती है उसको, उसमें इतना देर लगाती है भाई पराठे। शुक्र तुम भैया आज उठ गई सुबह, वरना तुम्हें उठाते उठाते मेरी तो कजा आ जाती है। नहीं भाभी, बस वो तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं है, नींद ही नहीं आती, तो इसलिए जरा सुबह उठने में देर हो जाती है। तुम्हें क्या हुआ नरगिस? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं हुआ, बस जरा से चक्कर आए नहीं और दवाइयां फांकना शुरू कर दी। शौक है सबको परेशान रखने का। सुबिया तुम जरा खामोश रहोगी, मैं उसे बात कर लूं। नहीं नहीं भाई, भाभी ठीक कह रही हैं, बस जरा चक्कर आ रहे थे। तुम ठीक से खाना भी नहीं खाती, कम से कम अपनी डाइट का ख्याल तो रखो, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। जी भाई। सलमा वो उधर से। बुरा ना मानेगा बाजी जी, आप जैसी माएं तो मैंने बहुत देखी हैं, आप जैसी सास मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? हाय बाजी, आपकी बहू इतने साल बाद भी आपसे सारे काम करवाती है, उसे जरा ख्याल नहीं है आपका। तुम ना अपने काम से काम रखा करो, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए, अजीब मुझे घबराहट सी हो रही है, जाओ। जी बाजी। बाजी एसी देखो कितने पर चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, या तो गर्मी ज्यादा या फिर मुझे लग रही है गर्मी। एसी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है बाजी, आपकी बहू ठीक नहीं चल रही, अपने बेटे से कह के उसे ठीक करवाएं। तुम ज्यादा बोलने लगी हो, जितना पूछती हूँ ना उतना जवाब दिया करो। मैं कह रही हूँ मुझे घबराहट हो रही है, तुम मेरी और तबीयत खराब कर रही। बाजी जी आप ही की फिक्र है, तभी तो आपको समझा रही हूँ मैं। अपना रंग देखें आप कैसे नीला जर्द पड़ा जा रहा है, जैसे सदियों से बीमार हैं आप। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अजीब सांस फूल रही है, मुझे गर्मी लग रही है, दिल घबरा रहा है, दिल डूबा जा रहा है, और ये सोच सोच करके इतने काम पड़े हैं, कैसे होगा ये सब। हाँ जी, सो आइडियल कपल, मॉम एंड डैड के आगे कौन आइडियल कपल होगा बताओ तो मुझे। है ना माशाल्लाह, वो एक आइडियल कपल है, और आज तक सुना नहीं कि उनकी लड़ाई भी हुई हो, माशाल्लाह। हाँ कभी भी नहीं, हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। देखो हो सकता है कि उनके पर्सनल डिफरेंसेस हों, लेकिन हमारे घर का माहौल हमेशा मोहब्बत भरा और खुशगवार रहा है। डैड बिजनेस को और मॉम घर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं कि हमें बॉदर होने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वो एक आइडियल कपल होने के साथ साथ आइडियल पेरेंट्स भी हैं। एब्सोल्युटली, और बहुत जल्द तुम भी हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। अल्लाह मेरी तबीयत को क्या हो रहा है, दिल घबरा, पसीना। जरीना
टिश्यू लेकर आओ। बेगम साहिबा ये लें टिश्यू। तबीयत ठीक है आपकी? तुम क्या कर रही हो यहाँ खड़ी होकर? और कोई काम नहीं है तुम्हें क्या? अच्छा मामा मैं घर जा रही हूँ, मामा की तबीयत खराब है, उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है दोबारा से, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? छोटी बीबी मैं तो बस तबीयत पूछ रही थी। क्या हुआ है उन्हें? वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुबह ब्रेकफास्ट बनवाया, लंच बनवाया, सारे काम करवा रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा मामा मैं जा रही हूँ, रमशा आपके पास ही होगी, ये ऐसी बलावजा मुझे तंग करेगी, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? तुम्हें दादी को तंग नहीं करना बिल्कुल, ओके? दाफिस। दाफिस। या अल्लाह। मैं यही तो आपको समझा रही थी, ये कब तक अपना जिम्मेदारी का बोझ आपके सर पर डालती रहेंगी? जब तक जिंदगी है जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन जब जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा हो जाए ना तो हल्का कर लेना चाहिए, ना तो जिंदगी की गाड़ी चलती है और ना ही जिंदगी। वकार, इसकी खुशबू सारा दिन ऑफिस में आपको मेरी याद दिलाती रहेगी। आपसे दूर होकर भी मैं आपसे दूर नहीं रहूंगी। यस अलीज़े, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, तुम क्या कर रही हो? अपना ख्याल तुम बिल्कुल नहीं रखती हो। ओ मम्मा, आपको तो हर वक्त यही पड़ी रहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो दिख रहा है तभी तो कह रही हूँ, पहले से और कमजोर हो गई हो, क्या कर रही हो तुम? एमन कहाँ है? वो अपने रूम में है। अच्छा ये लो, आई देर नहीं हुई, कॉल आ गई। हेलो जी आंटी। हाँ जी, बस मैं निकल रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। जी जी मुझे पता है, मैं बस 10-15 मिनट में निकल रही हूँ, ठीक है? ओके खुदाफिस। तुम जा रही हो? तुमने कहा था तुम पूरे दिन के लिए आओगी। मम्मा आप समझने की कोशिश करें, वहां पर जुहेब की शादी की तैयारियां चल रही हैं, आंटी को मेरी जरूरत है। अलीज़े, डू यू रियलाइज यहाँ तुम्हारी बहन की शादी भी सर पर है, एंड मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से थिंग्स आई वॉन्ट टू डू आई कैन नॉट डू, आई नीड योर हेल्प। मम्मा पता नहीं आपका क्या मसला है, एक आप है कि छोटी छोटी तकलीफ को सर पे इतना सवार कर लेती हैं, और आंटी को देखें, बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए तो वो कितनी काम एंड कंपोज्ड रहती हैं हमेशा। बेटियों और बहू वाली होकर एटलीस्ट ये तमाम चोटलेबाजी मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा आप ये सब बातें छोड़ें, मुझे बताएं आशिर का क्या प्लान है, वो कब आ रहा है? पता नहीं, बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा शादी पे आओगे, कि मम्मा ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो, ही सो मच बिजी। क्या मतलब है इस बात का, शादी पर नहीं आना उसे? देखो कोशिश करेगा, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अलीज़े, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सास ससुर के कानों में आशिर और शांजे की शादी की बात करो।
What? क्या हो गया है आपको? शांजे और आशर का कोई मैच नहीं है, और प्लीज आप इस तरह की बातें अपने दिमाग में मत लाया करें। For God's sake, mama, why don't you try to understand? इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, you know, your compatibility with Asad और strong हो जाएगी। आपको ना मेरी और असद की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके और मेरे दरमियान ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत खुश हैं आपस में। और वैसे भी आशर वहां पर अपनी किसी फ्रेंड को पसंद करता है, आपको पता ही होगा, और यही अच्छा होगा कि आप उसे कहें कि वो खुद वहां पर उससे अपनी बात चला ले, और अगर वो कहेगा तो हम यहाँ जाके उसकी फैमिली से मिल लेंगे। प्लीज रहने दो तुम आशर को, पिछले 4 सालों में 15 लड़कियों से तो मोहब्बत हो चुकी है उसे। अब जो मैं कह रही ना, प्लीज फोकस ऑन दैट, ठीक है? बात करना। हेलो अलीज़े, कब आई हो? लुक एट हर, इसके ऊपर खूब रूप चढ़ा है शादी का। हाँ माशाल्लाह, मेरी शादी की सारी तैयारियां तुमने देखनी है। वालेकुम अस्सलाम। आ गई, कैसी थी फौजिया? ब्लड प्रेशर ठीक हुआ उसका? हाँ, पहले से बेहतर है वो। शुक्र। असद को फोन करो, उसे बोलो कि ऑफिस से आ जाए। ठीक है, मैं अभी करती हूँ, 10 मिनट में आई। ठीक है। अच्छा मामा, वो जो ऑरेंज ड्रेस आना था टेलर से, वो आ गया क्या? हाँ हाँ बेटा, वो सारे जोड़े आ गए थे तुम्हारे ट्रेलर से, मैंने प्रेस करवा कर तुम्हारी कबर्ड में हैंग करवा दी है। रियली? थैंक यू, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था। बच्चों के साथ कहाँ जहन में रहती हैं ऐसी बातें। चलो अब जल्दी से जाओ, चेंज करके आ जाओ। शाबाश। बस 2 मिनट में आई। ठीक है। असद, कोई काम है? नहीं बाबा। तो चलो मीटिंग पर चलते। वो एक्चुअली बाबा अलीजे का फोन आया था। खैरियत है? जी सब खैरियत है। वो मामा और अलीजे मुझे शॉपिंग पर साथ लेकर जाना चाह रहे थे। तो इसमें क्या बात है, जाओ शॉपिंग पे। बाबा मैं इस तरह कैसे जा सकता हूँ? आप जानते हैं कि ऑफिस में कितना काम है, मीटिंग्स हैं, खासतौर पर वो जो जर्मनी से डेलीगेशन आया हो, तो मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता यहाँ। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो असद, तुम जाके बीवी बच्चों का ख्याल करो, मैं देख लूंगा। ओके जाओ। थैंक यू। अरे शानजीब बेटे, क्या हो गया? क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? इस घर में ना किसी भी एक पर्सन को मेरी एक्चुअली केयर नहीं है। आप लोगों में से किसी को मेरी परवाह नहीं है कि मैं शानजीब बकार भाई की शादी पे क्या पहनूंगी। मतलब ये दिस, आई मीन ये ड्रेस, ये इतना चीप ड्रेस है, ये मेरा बिल्कुल स्टाइल नहीं है, कलर नहीं है, ये कमीज, मतलब मेरे भाई की शादी है। डैड आपने मेरा कोई डिजाइनर से ड्रेस नहीं बनवाया, क्यों पहने को रही हूं, कुछ समझ भाई। देखिए शानजे को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या हो गया है? यार वो सही कह रही है कि ये ड्रेस तो नहीं पहनेगा ना, वकार अहमद की बेटी अच्छा ड्रेस पहनेगी यार। I mean, मैं आप लोगों की एक लौती बहन हूँ, राइट? और आपकी शादी है और मैं उसमें ये लाइक इतना पेंडू ड्रेस, मेरे डिजाइनर से आप लोगों ने ड्रेसेस नहीं बनवाए, शादी सर पे, और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं कि मैं क्या पहनूंगी। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको सबसे महंगा तरीन अभी ड्रेस खरीद के देता हूँ। ऑफकोर्स यस, चलो अब मेरे साथ और मैं तुम्हें ड्रेस लेकर देता हूँ। बिल्कुल। देखो शानजे मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद का ड्रेस ना मिला, तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर से ना मिला, तुम्हारा फेवरेट कलर ना मिला, तो फिर मैं भी ये शादी नहीं करूंगा। क्या बात है, देखो यस होना चाहिए ना। चलो चलो आओ जल्दी करो, और तुम मुनज्जर से कहना कि तैयार रहे, मैं अभी हो कर आता हूं। ठीक है? आ जाओ पागल लड़की।
मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।